बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इब्तदा में एक राज था। मुखालिफ कुव्वतों ने इस राज से पर्दा उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एलानिया एक न्यूक्लियर पावर हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ जुड़े बहुत से राज ऐसे हैं जो कभी आज तक मंजरे आम पर आ ही नहीं सके। ना ही कभी ये राज दिन की रोशनी में सामने लाए गए और ना ही कभी रात के अंधेरों में इन पे बात की गई, लेकिन आज हम आपके सामने वो बहुत से राज खोलेंगे जो हमारे एटमी प्रोग्राम के पुरस्रार पर्दों में एक तवील अरसे तक छुपे रहे। मसलन जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त भारत की कौमी असेंबली में क्या हो रहा था और इन धमाकों के बाद असेंबली में क्या हुआ, भारत ने कैसे पाकिस्तान की एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी का सुराग लगाने के लिए कई साल तक मेहनत की और फिर कैसे भारतीय जासूस एक बाल काटने वाले नाई के जरिए हमारी लेबोरेटरीज का सुराग लगाने में कामयाब हुए, कैसे भारतीय वजीर आजम की साजिश के जवाब में जनरल जिया की हाजिर दिमागी ने पूरे पाकिस्तान से रॉ के नेटवर्क का सफाया कर दिया, अमेरिका ने किस किस तरह से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया और कैसे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए पाकिस्तान के एटमी धमाके रुकवाने की कोशिश की गई, भारत ने कैसे CIA को कामयाबी से बेवकूफ बनाया मगर पाकिस्तान की ISI को बेवकूफ ना बना सका, जिस रात इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने वाले थे उस रात पाकिस्तान ने क्या किया था कि ये हमला रोकना पड़ गया, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगने के बाद किस तरह सऊदीया ने पाकिस्तान का साथ दिया और चीन ने धमाकों के बाद पाकिस्तान की मदद कैसे की। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान का एटमी सफर शुरू कैसे हुआ और मुकम्मल कैसे हुआ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हजारों गुमनाम लोगों की गुमनाम कुर्बानियों के साथ मुकम्मल हुआ था। हम प्रोग्राम के शुरू में ही सबसे पहले तो उन पाकिस्तानी हीरोज को सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तकमील के लिए शहीद हुए, कैदें काटी मगर उनका नाम किसी को मालूम नहीं। इसके साथ ही हम पाकिस्तान के कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान और उनकी पूरी टीम और उस वक्त के तमाम पाकिस्तानी सरकारी और मिलिट्री अफसरान को भी अपना सैल्यूट पेश करते हैं। उमूमन ये समझा जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर 1974 में काम शुरू किया था, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर सन 1961 में काम शुरू हो चुका था और इसकी इब्तदा मशरिकी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां से हुई थी। 1963 में इस मकसद के लिए बांग्लादेश में रूपपुर के मुकाम पर 254 एकड़ जमीन भी खरीदी गई मगर इस प्रोजेक्ट पर काम सन 1970 में रोक दिया गया था। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को दुनिया शुरू से ही शदीद नापसंदीदगी की निगाह से देख रही थी। दुनिया के किसी मुल्क के एटम बम को उसके मजहब के साथ नहीं जोड़ा गया, सिर्फ पाकिस्तान था जिसके एटम बम को इस्लामिक बॉम्ब कहकर पूरी दुनिया को खौफजदा करने की कोशिश की गई। जब पाकिस्तान अपने प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया से असासे इकट्ठे कर रहा था, उस वक्त दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी अहलकारों की शदीद और कड़ी निगरानी करती थी और इस बात को यकीनी बनाती थी कि कोई भी पाकिस्तानी अहलकार एटमी प्रोग्राम के लिए दरकार मशीनरी के पुर्जे लेने में कामयाब ना हो सके। बहुत से मकामात ऐसे भी आए जहां पर पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री अहलकारों की बजाय पाकिस्तान के तालिब इल्मों ने अपनी जान पर खेलकर कुछ जरूरी पुर्जे पाकिस्तान पहुंचाए और दुश्मन की एजेंसियां पाकिस्तान के अहलकारों की मॉनिटरिंग करती रह गईं। कई मौकों पर ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तानी अहलकार असल पुर्जों की बजाय कोई और पुर्जे लेकर किसी मुल्क से निकलते और गलत पुर्जों समेत दुश्मन की खुफिया एजेंसियों को अपने पीछे लगाए रखते, यहां तक कि ऐन मौके पर जब उन्हें पकड़ लिया जाता तो उनके पास से जो आलात निकलते वो जूसर मशीनों और ग्राइंडर्स और इस तरह के बेजरर आलात निकलते।
1974 में जब भारत ने एटमी तजर्बात किए तो डॉक्टर कदीर खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम फिर से शुरू करना चाहिए, वरना भारत एटम बम बनाने के बाद पाकिस्तान को सलामत नहीं रहने देगा। पहला खत तो अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की नजर हो गया और जुल्फिकार अली भुट्टो तक पहुंच ही ना सका। डॉक्टर कदीर ने फिर एक दूसरा खत लिखा जिसे पढ़ने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उन्हें पाकिस्तान बुलवा लिया। इससे पहले मुनीर अहमद खान की सरबराही में काम करने वाली साइंसदानों की टीम एटम बम बनाने में नाकाम हो चुकी थी। जब डॉक्टर कदीर आए और उन्होंने बम बनाने के लिए जो थ्योरी दी उसका शुरू शुरू में मजाक भी उड़ाया गया और कोई उसे मानने को भी तैयार ना था। डॉक्टर कदीर का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह था, जो मालूमात वो अपने साथ लेकर आए थे बिल्कुल उनके दिमाग में हर्फ बहर्फ मौजूद थी जैसे कंप्यूटर में होती हैं। अपने साथी साइंसदानों की मदद से उन्होंने वो तमाम मालूमात कागज पर मुंतकिल की और उस काम के दौरान तकरीबन 15,000 से ज़ायद लोगों की ट्रेनिंग भी की जो अब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता है। जब पाकिस्तान को एटमी पुर्जों और मशीनरी की सप्लाई पूरी तरह रोक दी गई तो फिर रियासत के कुछ और बेटे सामने आए जिनमें एक का नाम है सेठ आबिद। सेठ आबिद ने खुफिया तौर पर चोर रास्तों से उन पुर्जों को पाकिस्तान पहुंचाया जिन्हें पाकिस्तान पहुंचने से रोकने के लिए दुनिया भर की सीक्रेट एजेंसी जोर लगा रही थी। ओपन मार्केट में इन पुर्जों की फरोख्त पर पाबंदी थी। सेठ आबिद साहब किसी ना किसी तरह से ब्लैक मार्केट से इन पुर्जों को खरीदते और दुश्मन ममालिक की सीक्रेट एजेंसियों को धोखा देकर वो पुर्जे पाकिस्तान पहुंचाने का बंदोबस्त करते। यहां तक कि जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान खुफिया तौर पर एटम बम बना चुका था लेकिन एटमी धमाके करने की जरूरत महसूस ना की गई तो पाकिस्तान ने धमाके ना किए। धमाके करना पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का मसला उस वक्त बना जब भारत ने 11 मई 1988 को एटमी धमाके कर दिए और पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया कि हमसे जरा बच के दिखाओ, हम अनकरीब तुमसे निबटने वाले हैं। भारत ने CIA और अमेरिका की सैटेलाइट मॉनिटरिंग को बेवकूफ बनाया। किया उन्होंने ये कि अपने साइंसदानों को फौजी वर्दियां पहनाकर पोखरान भेज दिया। जो साइंसदान वहां फौजी लिबास में फौजी यूनिफॉर्म में फिरते थे तो अमेरिका ये समझता रहा कि ये कोई फौजी कार्रवाई या ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी ISI को पता था कि कौन कौन सा भारतीय साइंसदान उस वक्त किस अफसर के रैंक में फिर रहा है। यहां तक कि जिस दिन भारत ने पोखरान रेंज में एटमी धमाके किए उस दिन भी ISI के लोग वहां मौजूद थे और एक मशकूक घुड़सवार को रेंज से फरार होते देखा गया था। पाकिस्तान जियाउल हक के दौर में जब एटमी धमाके करने की पोजीशन में था उस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसियों के जासूस पाकिस्तान भर में फैले थे। वो ये जानना चाहते थे कि पाकिस्तान की एटमी रिसर्च लेबोरेटरीज वाकई कहां पर हैं और उनमें एटम बम के सिलसिले में कितनी पेशरफ्त हुई है। टकरें मार मार के भी उन्हें कोई सुराग ना मिला। फिर रॉ ने बनाया एक मंसूबा और वो ये था कि उन्होंने कुछ मखसूस इलाकों को मार्क किया। फिर उन इलाकों में उन्होंने बाल काटने वाले हजामों की जितनी दुकानें थी उनसे बालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक तवील अरसे तक ये बाल भारत जाते रहे और उस दौरान पाकिस्तान खामोशी से एटम बम बना चुका था। भारत की लेबोरेटरियों में इन इकट्ठे किए हुए बालों पर रिसर्च होती थी कि देखा जाए कि कौन से बालों पर यूरेनियम के जरात मौजूद हैं। कई साल तक ये काम चला, यहां तक कि एक दिन उन्हें बालों का ऐसा सैंपल मिला जिस पर अफजूदा यूरेनियम के जरात थे। जब पता लगाया गया कि यह सैंपल पाकिस्तान के किस इलाके से आया है तो मालूम हुआ कि कहूटा के इलाके में एक हजाम की दुकान से ये बाल मिले हैं। उन सैंपल्स का मजीद तज्जिया किया गया तो पता चला कि ये यूरेनियम पाकिस्तान 90% से ज्यादा अफजूदा कर चुका है, यानी एटम बम की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार है। उस वक्त भारत में इंदिरा गांधी की हुकूमत का खात्मा हो चुका था और वजीर आजम थे मरारजी देसाई। मरारजी देसाई ने फोन उठाया और सीधा पाकिस्तानी सदर जियाउल हक को हॉटलाइन पर रब्ता करके कहा कि हमें पता है कि तुम लोग एटम बम तैयार कर रहे हो और तुम्हारी लेबोरेटरियां कहूटा में हैं। ये तो पता नहीं कि जियाउल हक ने इसका जवाब क्या दिया, लेकिन अगले चंद माह के अंदर अंदर पाकिस्तान से रॉ के पूरे नेटवर्क का सफाया हो चुका था। रॉ बहुत अरसे तक मरारजी देसाई को गिला देती रही कि तुम रॉ के जासूसों के कातिल हो। जिस रात पाकिस्तान पर भारत और इसराइल ने मिलकर फजाई हमला करने का मंसूबा बनाया उनका यह प्लान था कि पाकिस्तान की एटॉमिक इंस्टॉलेशंस तबाह करनी है।
उस रात को हमारे खुफिया इदारों ने पाकिस्तान के उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा शमशाद साहब को इतला कर दी कि आज की रात इसराइल और भारत पाकिस्तान की एटमी लेबोरेटरीज पर हमला करने वाले हैं। सबसे पहले तो शमशाद साहब ने भारत के सफीर को कॉल की और दो टोक पैगाम दिया कि आज की रात अगर भारत ने ये गलती की तो भारत को बाद में पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। भारत ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान इसके जवाब में करेगा क्या। साथ ही पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने भारत को यह भी कहा कि अपने मुल्क को यह पैगाम फौरन पहुंचा दो। अगला पैगाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान में रूसी सफीर को दिया कि भारत अगर आज की रात बाज ना आया तो मिट जाएगा, दुनिया बाद में हमसे गिला ना करे। इस तरह चीन को भी पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने आगाह कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अमरीकी सफीर को फोन किया और कहा कि अमरीकी मीडिया पर यह पैगाम चला दो कि अगर भारत ने हमारी फजाई हदूद क्रॉस कर ली तो दुनिया बाद में हमसे शिकवा ना करे कि भारत मिट गया। अमरीका ने इसराइली सफीर के जरिए पाकिस्तानी सफीर को यकीन दिलाया कि इसराइल ऐसी गलती नहीं करेगा और पाकिस्तान ने चीन के जरिए भी उन तक पैगाम पहुंचाया कि मिट जाओगे अगर आज की रात कोई ऐसी गलती कर ली तो। उसके बाद सेक्रेटरी खारजा ने अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के स्टाफ अफसर को कॉल करके यही पैगाम पहुंचा दिया। फिर एक घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। भारत को भी पता चल गया कि यह गलती की तो पाकिस्तान वाकई भारत को खत्म कर सकता है। उस रात और उसके बाद एटमी धमाकों के दिन तक पाकिस्तान की एजेंसियां और एयरफोर्स रेड अलर्ट पर स्टैंड बाय रही। फिर पाकिस्तान ने एटमी धमाका भी कर लिया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा को कत्ल की धमकियां मिली, एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों को कत्ल करने की कोशिशें की गईं, मिलिट्री सिविल अफसरान को खत्म करने की धमकियां मिली। अमरीका ये करता कि पाकिस्तानी अफसरान को दावतों पर बुलाता और वहां उनके अफसरान आपस में डिस्कशंस करते कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दरअसल ये एक नफसियाती हरबा था डराने का। जब 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया तो यूएनओ की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया, हालांकि भारत की बारी किसी ने सलामती कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया था। यूं जाहिर किया गया जैसे पाकिस्तान के बम की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है। ऐसे वक्त में चीन ने पाकिस्तान के लिए बहुत मददगार किरदार अदा किया। चीन पर इंटरनेशनल प्रेशर था कि पाकिस्तान का बायकॉट करे और मजम्मत करे। चीन ने जवाब में ऐसा रिस्पांस दिया जिससे दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका शोक में या जानबूझकर नहीं किया बल्कि मजबूरी की वजह से किया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को खत्म करने की धमकियां दे दी थी। सऊदीया के बादशाह से जब पाकिस्तानी सफीर मिलने गए तो वो छुट्टी का दिन था और सऊदी बादशाह शाह फहद खास तौर पर वक्त निकालकर पाकिस्तानी सफीर को मिले। तो जब पाकिस्तानी सफीर ने आलमी पाबंदियों के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की तो शाह फहद ने एक तारीखी जवाब दिया। शाह फहद ने कहा कि जो पाकिस्तान ने किया है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम एटमी हथियारों की अदम फैलाव की तंजीम के मेंबर्स हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने यह सब कुछ भारत की वजह से मजबूरी में किया है, इसलिए हम पाकिस्तान के हक में इतना कुछ करेंगे जितना पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। यूं सऊदीया ने उस वक्त एक भाई और दोस्त मुल्क होने का हक अदा कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के लिए अगला जाल यह तैयार किया गया कि पाकिस्तान अब मजीद एटमी तजुर्बात नहीं करेगा, मगर यह भी अल्लाह ने पाकिस्तान पर फजल किया और पाकिस्तान इस जाल से भी बच निकला। आखिर में हम आपसे भारत की कौमी असेंबली का वो मंजर शेयर कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। पाकिस्तान के एटमी धमाके करने से चंद मिनट पहले तक भारत की कौमी असेंबली में बीजेपी के एक वजीर पाकिस्तान से जंग करने की धमकी दे रहे थे और बता रहे थे कि अब हम पाकिस्तान से दोनों हाथों से निपटने के लिए तैयार हैं। फिर इतनी देर में एक बंदा आया और उसने स्पीकर के कानों में कुछ कहा। जो सहाफी उस वक्त असेंबली में मौजूद थे वो बताते हैं कि स्पीकर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। स्पीकर ने वजीर को खामोश होने की दरखास्त की और ऐलान किया कि हमें इतला मिली है कि पाकिस्तान ने अभी अभी एटमी धमाके किए हैं। आप यकीन करें कि पूरी भारतीय असेंबली पर मौत की खामोशी छा गई। एक दो मिनट की खामोशी के बाद कोई बोला तो सब लोग अचानक बोल पड़े, यहां तक कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ने लग गए और स्पीकर को आधा घंटा इजलास की कार्रवाई रोकनी पड़ी। आधे घंटे के बाद स्पीकर ने तस्दीक की कि ऐसा वाकई हो चुका है और फिर सरकारी सतह पर भारत ने अगले दिन तस्दीक की कि जिस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उस वक्त भारत के जलजला रिकॉर्ड करने वाले महकमे की तमाम मशीनों पर जलजला रिकॉर्ड हुआ है जिसका मरकज बलूचिस्तान का मकाम चागी है।
पाकिस्तान के एटमी धमाकों का जश्न उस वक्त पूरी दुनिया में मनाया गया। 28 मई को आज हम योम तकबीर कहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा इन एटमी धमाकों की वजह से नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।